फिलहाल तो अंदर से यही खबर आई है कि जेल भरो तहरीक जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं और जैसे खान साहब बॉर्डर देंगे हम इंशाल्लाह जेलों में। मुझे घर से कॉल आती है आपने वापस अभी नहीं आना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि शायद मैं अगले घर जा रहा हूँ, पिछले घर की पार्टी फंड वगैरह भी आपको मिल रहा है, मतलब की जो दिहाड़ी शाड़ी भी मिलती पी है कि मतलब अपनी मदद आप ही आपको। तो ये खान साहब से मोहब्बत है कि हमने 20-25 दिन से नीचे सो रहे हैं और मुझे कल के बुखार भी है 2 दिन से, आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा। मुझे मेरे मौलवी का बंदा कहता है यार मैंने सुना है कि वो फला लड़का जो है ना वो धरने से लड़की निकाल के ले आया है। सर मुझे ये बताया कि मियां बीवी आपस में अगर कोई हम बिस्तरी करते हैं जायज तरीके से, कैप्टन सफदर वाली नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मैं हूं आपका होस्ट नसीम चौधरी। नाज़िम आप देख रहे हैं बुराक न्यूज, आज मैं मौजूद हूं जमान पार्क के बाहर। यहां पर इमरान खान साहब की बहुत ही कसीर तादाद में कारकुन मौजूद हैं, एक उन्हीं के अंदर से कारकुन हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई जान क्या नाम है आपका और कहाँ से तशरीफ लाए? बाबरगान समुद्री से तशरीफ लाए हूँ, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, और मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ समुद्री से। ठीक है, मतलब कि आपके पास पार्टी का एक छोटा सौदा भी है। ठीक है, चले भाई मैं आपसे आपके मतलब की पार्टी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। देखिए शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जो ये पार्टी है ना, ये इसके अंदर गरीब बंदे का काम नहीं है, ना इसके अंदर कोई मिडिल क्लास का काम है, ये अमीरों की जमात है। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा और थोड़ा सा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद मिडिल फैमिली से हूँ और मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं, और मुझ जैसे काफी ऐसे दोस्त ऐसे वर्कर हैं जो 15-15 साल से इस पार्टी में, और वो जिस पोजीशन में थे ना उससे नीचे आए हुए ऊपर नहीं गए होंगे। मतलब उन्होंने अगर गरीबों की जमात ना होती तो वो छोड़ के चले जाते। तो ये पूरे पाकिस्तान की जमात है, इसमें गरीब अमीर औरतें मर्द बच्चे पूरे आप देख रहे हैं सभी की ये पार्टी है, इसलिए अमीरों की पार्टी नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी अपनी हुकूमत थी, मुझे किसी तरह का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, मेरे ऊपर अंडे भी मारे गए, मुझे सियाई भी फेंकी गई, आज मेरे ऊपर मुश्किल वक्त है, मेरी पार्टी का कोई बंदा मेरे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। इन केस आपके साथ भी कल इस तरह का कोई सिनेरियो हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी? पार्टी बिल्कुल सपोर्ट करेगी और पार्टी ने उनको भी सपोर्ट किया है। आपने देखा होगा वो 3-4 दिन पहले यहाँ पे आए थे जमान पार्क में, तो उनका कैसा वेलकम किया था। अगर पार्टी ने उनको सपोर्ट ना किया था तो यहाँ पे एक वर्कर ना होता उनको वेलकम करने के लिए। तो ये गिल साहब के लिए ऑनर थी कि यहाँ पे इतना मजला जैसे कोई जलसा हो रहा हो तो उनको वेलकम किया। तो पार्टी पीछे आती है चलती है, सारे मामला होते हैं, उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो गई है क्योंकि कई मामला ऐसे होते हैं जो पार्टी के हाथ में नहीं होते। अब खान साहब पे फायर लगा है और खान साहब पे अपनी हुकूमत होने के बावजूद FIR नहीं कटी जा रही थी, तो फिर वो नामालूम, वो किसने नहीं कटने दी? नामालूम नामालूम कोई ना कोई मतलब शक तो होता ही है बंदे को, जब भी कोई नामालूम भी होता है किसी ना किसी तरफ माइंड तो जाता है यार इस बंदे ने मुझे मतलब कोई रुकावट की है, किस तरफ माइंड जाता है? सर वो जो प्लेयर पीछे बैठे हैं हम शतरंज के वो है अभी वो हम जो है ना वो घोड़ा है और वो चला रहे हैं और वो बैकडोर पे सारा कुछ कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि अब तो बच्चे बच्चे को पता है। और थैंक्स टू इमरान खान के उन्होंने हमें बताया कि आपके साथ कौन कहाँ से बैठ के क्या कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि आज तक पाकिस्तान में इस्लामाबाद की हुकूमत नहीं आई, रही है तो सिर्फ रावलपिंडी की। अच्छा सेकंड नंबर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आजकल के अंदर डेट्स भी आ जाएगी पंजाब और KPK के इलेक्शंस की, खान साहब को चाहिए कि अभी मौके यूथ को आगे लेके आए बजाय इसके कि जो मतलब ऑलरेडी एक खानदानी मतलब के लोग आते जा रहे हैं, बाप बेटा दादा परदादा से चलती आ रही सियासत, बजाय उसको साइड पे करते हुए इस दफा मतलब के खान साहब को लेके आना चाहिए यूथ को? डेफिनेटली खान साहब को मिनिमम भी कहना है कि 80% जो है वो यूथ को लेके आना चाहिए। यूथ की एग्जाम्पल है कि यूथ में मोहतरमा गरताजगुल IASF की रही है, उसके बाद फरख हबीब, उसके बाद अली मोहम्मद का, मुराद सईद, ये सारे वो हैं जो यूथ से आए और देखे कितने कॉम्पिटेंट है और कितने हार्ड वर्क है। तो खान साहब को मैं ये रिकमेंड करूंगा, एक आजाना गुजारिश है कि प्लीज यूथ को आगे लेके आए और जो पुराने है ना खड़ूस सिस्टम उसको खत्म किया जाए। आप मतलब के उम्मीद करते हैं कि खान साहब आपके ऊपर भी कोई नजरसानी करते हुए आपको भी कोई टिकट शिकट का कोई? खान साहब मुझे टिकट दे तो मैं जरूर लड़ूंगा, खान साहब मुझे सारी जिंदगी टिकट ना दे तो मैं फिर भी उनके साथ। कितने टाइम से आप यहाँ पर अवेलेबल है? मैं मुझे 22-23 दिन हो गए।
अच्छा आप 22-23 दिन से यहाँ पर, और आपका कारोबार वगैरह कोई नहीं है? मेरा कारोबार है, मरीन में है, होटलिंग है, वहाँ पे हम पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, एक बंदा वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, मैं यहाँ पे, मतलब सिस्टम चल रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं है। वो आ जाएंगे, वो भी पीटीआई के, वो आ जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, हमने पार्टी को भी टाइम देना है, अपना काम भी देखना है। मतलब 6 महीने भी खान साहब बिठाई रखे हैं, आपका सिस्टम चल रहा है। प्रॉब्लम बल्कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो 2014 का करना हुआ था ना, उसमें मैं 120 दिन रहा। अच्छा, पूरे आपने 100 वहाँ पे बहुत बदमजगी थी, बहुत बुरा हालात थे, 6 दिन इसलिए उसमें एबसेंट होगी कि मेरी चोरी होगी थी, तो मैं वापस घर आया, दोबारा तैयारी करके फिर मैं वापस गया, तो मैंने 126 दिन वहाँ पे रहना था, जितने दिन वो चल रहा था। अच्छा मुझे, अच्छा वो कहते हैं कि उन दिनों के अंदर वहाँ पे मतलब के बड़ा ओपन माहौल था, रात को मेल फीमेल आपस में इकट्ठे भी होते थे, और बड़ा वहाँ पे फांसी पिलाई जाती थी। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें 0% सदाकत है। मैं जब वो मेरी चोरी हुई और मैं वापस आया घर, तो मुझे मेरे मोहल्ले का बंदा कहता है, यार मैंने सुना है कि वो फला लड़का जो है ना, वो धरने से लड़की निकाल के ले आया है। तो मैंने कहा यार उसका नाम, कहता पता नहीं। लड़की का नाम मैंने कहा बताओ, कहता पता नहीं। मैंने कहा वो रहते कहाँ पे है, कहता पता नहीं। मैंने कहा आपको किसने कहा, कहता वो फला बंदा मुझे सुना के गया। तो मैंने कहा कि ये है पाकिस्तानी कौम का हाल, सुनी सुनाई बातों को जो है ना वो करते, बाकी मैं खुद वहां पे रहूं। लेकिन मैंने अल्लाह ताला को जान देनी है और अपनी कब्र में जाना है, झूठ बोलूंगा तो मेरे साथ जो सलूक होगा वो आपको भी पता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं वहां पे देखा। हाँ, कुछ मामला ऐसे थे कि वो भी तारुल कादरी वाली साइड पे थे, मैंने उनसे पूछा कि बुजुर्ग गेट से कि ये क्या मामला है, तो मैं कहा यहाँ पे हमारी फैमिली रह रही है, हम अपना वो खेमे अपने हाउस अपना सेपरेट, बात कोई है ना इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, कोई ना कोई बात जरूर है। सर मुझे ये बताया कि मियां बीवी आपस में अगर कोई हम बिस्तरी करते हैं जायज तरीके से, कैप्टन सफदर वाली नहीं, जायज तरीके से निकाह वाली, तो वो सही है या गलत? कैप्टन सफदर तो कहते हैं कि बगैर निकाह के भी, मैं वही कह रहा हूँ, ये कैप्टन सफदर वाली नहीं, ये हलाल वाली और जायज है कि निकाह हो, मियां बीवी हो, वो अपना बाप पड़ता है किसी भी जगह पे, हम बिस्तरी कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप कर। सर मुझे मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, मेरा आपसे भी एक क्वेश्चन है, मियां बीवी फॉर एग्जांपल वो रोड के ऊपर आके हम बिस्तरी करना स्टार्ट कर दे, क्या वो एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? सर रोड के ऊपर तब वो बुरी है कि अगर वो ओपनली लगे हुए हैं रोड पे, अपने साहब आ गए थे जब सिंध में तो पब्लिक तो सारी रोड पे आ गई थी, तो आपका क्या कहना है? वो तो चले मुसीबत थी ना, एक वो भी मुसीबत थी, नहीं वो तो चले एक एहतजाज किया हुआ था, क्या वो मुसीबत थी? नवाज शरीफ मुसीबत थी इस मुल्क के लिए, बल्कि सलाब से बड़ी मुसीबत थी। तो अब क्या वो जो सलाब वाले सड़कों पे आ गए थे, तो वो क्या आप उसमें कोई ऐसा काम ना करे कि नहीं हम सड़कों पे बैठे हुए हैं? देखिए मामला तो होते हैं, लेकिन उसको उल्ट पुलट करके जो है ना वो बनाया जाता है, क्योंकि हमारी पब्लिक के पास जो ना टाइम था, फिर मलकार में वो एक फनी क्लिप याद आ जाता है कि यार हमारे पास, हमें कोई काम भी नहीं होता और हम बाइक पे इतनी स्पीड पे कहाँ जा रहे हो? गले मसलूम, तो इशारा भी तोड़ छड़ा, काम शाम भी कोई नहीं है, भाई किधर जा रहे हैं? मैं बस 2 मिनट सोना ना पड़े। ये क्या सुनाई है, मैं वहां पे रहा हूँ, अगर वहां पे एक दिन भी मैं ऐसी कोई चीज देखता तो बागदा मैं वहां पे ना रहता कि यार मैं इस गंदे माहौल में नहीं रह सकता, क्योंकि हम भी माए बहन जो है वो हमारी वहां पे, मैं जो जितनी भी उधर थी ना, मैं उनको अपनी माए बहने समझता था, और अगर कोई वहां पे किसी के साथ ये हरकत करता तो यही था कि वो मेरे किसी फैमिली के पर्सन के साथ हो रहा, तो मैं तो वहां पे ना रहता, लेकिन जब तक मैं वहां पे रहूं मुझे कोई चीज नहीं। खान साहब के साथ ही मुलाकात हुई है? हो सर। क्या तासरात है खान साहब की, अभी लेटेस्ट कब हुई है? लेटेस्ट मेरी हुई थी जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब कि 1 साल तकरीबन होने वाला, पीएम हाउस में हुए थे, जब वो श्रीलंका वाला मर्डर हो गया था सियालकोट में, तो उसकी याद में प्रोग्राम था वहाँ पे, मुझे डॉक्टर सुभाषगिल साहब ने इनवाइट किया था और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा मुझे अभी आप ये बताएं, अभी खान साहब के साथ तो आपकी मतलब की मुलाकात नहीं है, अंदर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो आ रही होंगी, क्या खान साहब के आगे प्लान्स हैं? खान साहब के प्लान यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज जैसे उन्होंने फ्रेश कहा है कि मेरा बेड़ा गर्क करने के लिए उस मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें दोबारा, तो हमें तो उन्होंने यही कहा है कि आपने पूरा अमन रहना है और अपना एहतजाज जारी रखना है। फिलहाल तो अंदर से यही खबर आई है कि जेल भरो तहरीक जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए, और जैसे खान साहब ऑर्डर देंगे हम इंशाल्लाह जेलों में, मुझे घर से कॉल आती है आपने वापस अभी नहीं आना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि शायद मैं अगले घर जा रहा हूँ, पिछले घर टूट गया, तो हम कोई फसाद नहीं करेंगे ना, हमारे कैंप लगे हुए उस साइड पे, वहां पे पौधे लगे हुए, यकीन करें हम उनकी भी केयर करें कि ये खान साहब गुस्से ना हो कि हमारे घर के पौधे आके तोड़ गए, तो हम एक पुरमन जमात है और इंशाल्लाह अपना पुरमन रहते हुए अपना एहतजाज जारी रखेंगे मरते दम तक, जब तक हम अपना मकसद हासिल करें। अब तक कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी? अब तक तकरीबन कोई 7-8 हजार लोगों की होगी। खान साहब ने 4 लाख बंदा पूरा करना है? पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, खान साहब अभी कहते हैं कि आ जाए सारे फौरी पहुंचे। अच्छा अभी जो यहाँ पर आपने 20-22 दिन से यहाँ पर ठहराव किया हुआ है, तो पार्टी फंड वगैरह भी आपको मिल रहा है कोई, मतलब कि जो दिहाड़ी शाड़ी भी मिलती पई है कि मतलब कि अपनी मदद आप या
क्या इतनी गुर्बत उन शैतानों ने गंजों ने कर दिया ना पाकिस्तान में। अगर इधर दिहाड़ी मिलती होती तो इधर तो पब्लिक वो धर्मपुर से शुरू होती है और मार रोड तक जाती है अगर दिहाड़ी मिल रही होती तो। ऐसा कोई सीन नहीं है बल्कि अपनी पॉकेट से 10-15 साल हो गए लगा रहे हैं और सबका जारिया समझ के लगा रहे हैं कि ये हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये आपको बताना चाहूंगा कि ये खान साहब से मोहब्बत है कि हमने 20-25 दिन से नीचे सो रहे हैं और मुझे कल के बुखार भी है 2 दिन से, आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा बुखार है हर चीज है लेकिन हम नीचे सो रहे हैं। इधर वॉशरूमों में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं उधर कंट्रोल करें। हालांकि ये वो अफराद है सारे कि जिनके वीआईपी रूम है अटैच वॉशरूम है साथ कोई प्रॉब्लम नहीं वीआईपी लग रही जिंदगी गुजारे होते अच्छे खासे घरों से। हाँ अच्छे खासे घरों से लेकिन ये खान साहब की मोहब्बत है कि हम जो है ना बड़ा बड़ा कुछ बर्दाश्त करें और हमारी तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे वॉशरूम था तो वहां से उठना और जाना ये वो सारे मामला क्लोज मुद्दा ये है की मोहब्बत है लीडर से। कोई खान साहब के लिए कोई खास मैसेज देना चाहिए, इलेक्शन भी करीब है उसको भी माइंड में रखते हुए कोई खास मैसेज दे दे। खान साहब को ये मैसेज हुआ खान साहब आप पहले हमें कहते थे कि घबराना नहीं, अब हम आपको कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, हम इधर ही हैं और जो आप कहेंगे जैसा कहेंगे आपके हुक्म की तामील होगी और हुक्म करो न्याजी पलट देंगे बाद में। आपका बहुत शुक्रिया।